15 अगस्त 1947, इसी दिन हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना। आज का दिन हर भारतवासी के लिए एक गौरवशाली दिन है और इसी दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे झंडे को फहराते हैं। इस साल हम सभी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसे आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ उस दिन हमारे देश को आजादी मिलने की खुशी में एक पार्टी रखी गई थी, लेकिन उस पार्टी में हमारे देश को आजादी दिलाने वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद उसमें शामिल नहीं थे। इसका कारण ये था कि उस समय वे दिल्ली से दूर बंगाल के नोआखाली में थे, जहां वे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच हो रही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस भाषण को नहीं सुन सके, क्योंकि उस दिन वे बहुत जल्दी सोने चले गए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर साल 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के मुताबिक नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को दो भागों में बांटती है। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन उस समय हमारे देश का कोई राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये हमारे देश का राष्ट्रगान 1950 में बना। दोस्तों, 15 अगस्त को सिर्फ भारत ही आजाद नहीं हुआ था, इसके साथ दक्षिण कोरिया, बहरीन और कांगो देश को भी आजादी मिली थी, लेकिन ये देश अलग अलग वर्ष में आजाद हुए थे। जैसे कि दक्षिण कोरिया को जापान से 15 अगस्त 1945 को आजादी मिली थी, वहीं कांगो देश को फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को आजादी मिली थी, वहीं बहरीन को ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी। 15 अगस्त यानी आजादी का दिन, और ये दिन हर भारतवासी के लिए एक खुशी का दिन है। लेकिन 15 अगस्त 1950 के दिन असम राज्य में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसमें करीब 1500 से 3000 लोगों की जानें चली गई थी, और ये दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना थी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर के जरूर बताना, और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई हो। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।